हिंदुस्तान और से दंगल यूट्यूब चैनल में फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलशेखर दुबे। आज मैं बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी ब्रह्मपुर मेला ग्राउंड से एक बच्चा घोड़ा का वीडियो लेकर आया हूं। इस बच्चे घोड़े को अभी ट्रेंड किया जा रहा है, मुश्किल कलर का घोड़ा। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड में धीरे धीरे कदमबाजी करते हुए राउंड को पूरा कर रहा है। बच्चे में अभी चुलबुलाहट है, नए लोग इसे ध्यान से देखें कि एक बच्चे घोड़े को कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही समझदारी से बच्चे पे, बच्चा घोड़ा पे कोई दबाव नहीं, कोई डंडा नहीं, और समझदारी से अगर बच्चे घोड़े पे ज़्यादा डंडा का प्रयोग किया जाए, कोड़े का प्रयोग किया जाए, तो बच्चा घोड़ा बिगड़ सकता है। अभी आप सवार जवान की सवारी उस बच्चे घोड़े पर देख रहे हैं, कितनी आसानी से उस बच्चे घोड़े को राउंड में घुमा रहे हैं। इस घोड़े के मालिक हैं श्री राम तिवारी जी, सरपंच साहब, बड़की नैनीजोर, भोजपुर, बिहार। काफ़ी अच्छा बच्चा है, जात नस्ल भी अच्छा है घोड़े का। और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं हिंदुस्तान और से दंगल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 13 मार्च 2024 को यानी कि कल मेला में रेस का आयोजन है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के नामचीन घोड़े पार्टिसिपेट करेंगे। और यही ब्रह्मपुर मेला जो कि सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। अब देखना ये है कि यहाँ का सेहरा किसके सर पे बंधता है। बहुत ही अच्छे अच्छे घोड़े पहुँचे हैं, तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी, महादेव की नगरी ब्रह्मपुर मेला ग्राउंड पर पहुँचिए और एक बहुत ही शानदार रेस का आनंद लीजिए। आपको ये बच्चा घोड़ा कैसा लगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और कौन कौन से लोग कल बाबा की नगरी में रेस देखने के लिए पहुँच रहे हैं, और जो लोग अभी घोड़ा लेना चाहते हैं, एक अच्छा घोड़ा लेना चाहते हैं, अच्छा बच्चा लेना चाहते हैं, वो भी मेला में ज़रूर पहुँचें। उनको भी अच्छा घोड़ा, अच्छा बच्चा।